अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल नसरीन किचन इन ब्लॉग्स। में आज की रेसिपी आगे है चक्का घरेलू। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है देखिए, ये है चावल का आटा है, ये देखिए एक दो कटोरी चावल का आटा है ये, और ये मूंग की दाल है भीगी हुई एक आधी गिलास, और इसके लिए लहसुन एक चार पांच पौधे लहसुन के, और थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई, कड़ी पत्ता, और यह हरी मिर्ची है। यह हरी मिर्ची, अदरक और ये लहसुन को दरदरा सा पीस लेंगे। सबसे पहले ये पीस के मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए, अब सबसे पहले इसमें चावल का आटा डालेंगे दो कटोरी। ये देखिए, और ये भीगी हुई मूंग की दाल, इसको भी डाल देंगे, और बारीक कटी हुई कड़ी पत्ता, और इसी में डालेंगे दो चम्मच बटर, देखिए दो चम्मच बटर डाल लीजिए। अब इसमें डालेंगे टेस्टी के हिसाब से नमक एक चम्मच, अजवाइन और एक चम्मच जीरा। और इसी में डालेंगे थोड़ा गरम तेल। और ये हरी मिर्ची का पेस्ट जो बना के रखे हैं वो भी डाल लेंगे इसमें। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चाहे तो डाल ले भी सकते हैं लाल मिर्च। हरी मिर्ची से बनाएंगे तो और टेस्टी रहते हैं। चक्का घरेलू तेलंगाना और आंध्र साइड ज़्यादा बनाते हैं, स्पेशली ये फेस्टिवलों में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, ये बटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से अब इसमें ही थोड़ा गरम किया हुआ पानी डालेंगे इसमें, लाइट से कुनकुना सा। देखिए, इस तरीके से बनना चाहिए। आप चाहे तो इसमें चने की दाल भी डाल ले सकते। अब इसमें गरम पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए गरम पानी है इसमें, थोड़ा थोड़ा दाल दही मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिलाइए, आटे को एकदम से नहीं डालेंगे, अब हाथ की मदद से मिलाएंगे इसको। ये देखिए, इस तरीके से मिला लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छे से सॉफ्ट से मिला लीजिए, और मिला लेके इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए इसको।
ये देखिए आपको जितना साइज चाहिए उतना साइज बनाइए। मैं इस तरीके से बना चुकी हूँ, अब इसको बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए इस तरीके से एक कवर ले लीजिए, लेके इसको तेल लगा लीजिए इसकी इस तरीके से। लगा लेके इस तरीके से ये रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। इसको फोल्ड कर लेके एक कटोरी के मदद से इस तरीके से प्रेस कीजिए। देखिए इसको ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, यही साइज के बनाएंगे इसको। देखिए देखिए इसी तरीके से सारे बना लेंगे। मैं बना के मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे गारे बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए अब इसको तलने की तैयारी करेंगे। देखिए इधर भी बन चुके हैं और इधर भी, इधर तेल गरम हो रहा है। चलिए तेल गरम हो चुका है, अब तेल में छोड़ेंगे सारे गारे को। देखिए इसको मीडियम फ्लेम में तलेंगे। इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे बताए गए तरीके से, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिए और ऑल ऑप्शन को भी क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह हमारे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। इस तरीके से पलट लेंगे थोड़ा होने के बाद। देखिए हमारे गारल हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से बाकी के भी सारे तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे गारल बन के तैयार है माशाल्लाह, सारे गारल बन चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे दिख रहे हैं, अब इसको निकाल के मिलती हूँ मैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे गारेल बन के तैयार है माशाल्लाह, चक्का गारेल। ये देखिए कितने अच्छे से बन चुके हैं एकदम। ये देखिए सिंपल और इजी प्रोसेस है ये बनाने का, आप लोग भी ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चे और बड़े हर एक शौक से खाने का है ये। देखिए कैसा चूरा बन चुका है एकदम क्रिस्पी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिए और ऑल ऑप्शन को भी क्लिक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपसे अगले रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।